भारतीय जनता पार्टी युवा नेता विवेक गौतम की अगुवाई में 2 सितंबर को दर्जनों बस में सैकड़ों यात्री अयोध्या रवाना हुए। आपको बता दें, श्रद्धालुओं की इस अयोध्या यात्रा को रीवा सांसद जनार्दन मिश्र और त्योथर विधायक श्याम लाल द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रद्धालुओं की यह अयोध्या यात्रा 4 सितंबर को वापस देव तालाब पहुंचकर संपन्न होगी। इस यात्रा में देव तालाब विधानसभा क्षेत्र के युवा एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्री राम लला के दर्शन किए हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में श्रद्धा भाव में रंगी इस यात्रा के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और आम जनों में यह चर्चा गर्म है कि आखिर इस यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अनदेखी क्यों की गई, जबकि देव तालाब से ही विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम विधायक हैं। उल्लेखनीय है कि देव तालाब विधानसभा के श्रद्धालु अयोध्या जाते हैं और शुभारंभ कार्यक्रम में देव तालाब के ही विधायक को नहीं बुलाया जाता, जबकि रीवा सांसद जनार्दन मिश्र और त्योथर के विधायक श्याम लाल द्विवेदी को इस यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर अतिथि बुलाया गया। नेता दो ने ही यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। चर्चा का विषय है कि आखिर क्या कारण है कि देव तालाब से शुरू हुई और देव तालाब में ही संपन्न होने वाली इस धार्मिक यात्रा में देव तालाब के विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल नहीं हुए या उन्हें शामिल नहीं किया गया। आलम यह रहा कि पूरे कार्यक्रम में उनकी चर्चा होना तो दूर, एक तस्वीर तक कहीं दिखाई नहीं दी, जबकि यह पूरी यात्रा और कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से सराबोर है। परंतु फिर भी विधानसभा अध्यक्ष की अनदेखी क्यों की गई? यह सवाल सभी के मन में बिजली की मनिंद कौंध रहा है। क्या बीजेपी में भी हावी हो रही गुटबाजी? वैसे तो गुटबाजी के लिए कांग्रेस पार्टी को अक्सर आड़े हाथों लिया जाता है, परंतु क्या वही गुटबाजी अब भारतीय जनता पार्टी में भी हावी हो रही है? तो ऐसे में विवेक गौतम की अगुवाई में जब देव तालाब में श्रद्धालु अयोध्या गए हैं, तो कार्यक्रम के शुभारंभ में सांसद जनार्दन मिश्रा को बुलाया जाना और देव तालाब विधायक गिरीश गौतम को शामिल न करना, इससे क्या यह माना जाए कि बीजेपी में भी गुटबाजी का आलम हावी हो गया है? जिला पंचायत सदस्य पद्मेश गौतम देव तालाब में जमीनी स्तर पर पिछले कई वर्षों से काफी सक्रिय हैं और देव तालाब विधानसभा में अच्छी खासी पैठ जमा चुके हैं। एक तरफ देव तालाब के लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो वहीं पद्मेश भी लोगों के सुख दुख में बराबर शरीक होते हैं। छोटे से छोटा कार्यक्रम भी अगर देव तालाब में होता है तो पद्मेश वहां अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराते देखे जाते हैं। चर्चाओं की अगर माने तो कांग्रेस पार्टी देव तालाब से उन्हें अपना अगला उम्मीदवार बना सकती है। माना जा रहा है कि अगर देव तालाब से पद्मेश कांग्रेस प्रत्याशी बनते हैं तो वो किसी भी बीजेपी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देने में सक्षम है। आपको बता दें कि विवेक गौतम ने श्रद्धालुओं सहित अयोध्या पहुंचकर रामलला एवं अन्य पवित्र जगहों के दर्शन करने के साथ साथ एक बड़ी सभा भी आयोजित की, जिसमें वेदांती जी जैसे प्रतिष्ठित साधु संत और हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन काफी भव्यता के साथ किया गया था। सभा स्थल पर भाजपा के झंडे भी काफी मात्रा में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हालांकि प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में कोई राजनीतिक बात तो नहीं हुई, परंतु फिर यह भी है कि आखिर धार्मिक यात्रा में सभा कौन आहूत करता है? राजनीतिक पंडित इस सभा को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देख रहे हैं। अब इन सब घटनाक्रम को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं कि क्या विधानसभा अध्यक्ष के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे विवेक गौतम, या फिर करेंगे पार्टी के अंदर ही करेंगे या उनसे प्रतिद्वंदिता? क्या विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी टक्कर देने की है तैयारी? कहीं इस धार्मिक यात्रा के द्वारा बीजेपी नेता विवेक गौतम देव तालाब से अपने चुनावी राजनीतिक सफर का आगाज तो नहीं करना चाह रहे? क्या विवेक गौतम ने विधानसभा अध्यक्ष की खुद की अनदेखी या फिर विधानसभा अध्यक्ष ने खुद धार्मिक यात्रा से बनाई दूरी? विवेक गौतम जब से राजनीति में आए हैं तभी से रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के काफी करीब रहे हैं। मंत्री राजेंद्र शुक्ला का वर्दहस्त भी उन्हें प्राप्त है, संगठन में भी उनकी छवि अच्छी है। बहरहाल धार्मिक यात्रा के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अनदेखी देखी गई है, उससे तो राजनीतिक पंडित यही मानते हैं कि विवेक गौतम आने वाले दिनों में देव तालाब में राजनीतिक परिदृश्य में कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने इस धार्मिक यात्रा के माध्यम से कर दी है। हालांकि असल में क्या होगा और क्या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा, परंतु जिस प्रकार के घटनाक्रम घटित हुए हैं उनसे तो ऐसा ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देव तालाब में विवेक गौतम के जरिए कुछ बड़ा करने जा रही है।